हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम रिकॉर्ड करने लगे हैं फॉर आर सेगमेंट मदरहुड अनप्लग्ड और क्योंकि ये हमारी ऑडियंस का मोस्ट रिक्वेस्टेड सेगमेंट होता है सब कहते रहते हैं इसके बारे में बताएं इसके बारे में बताएं तो आई थिंक इस बार हमारी काफ़ी टाइम के बाद एपिसोड आ रही है वैसे तो मैं कुछ भी कर रही होती हूँ चाहे चाय चैट कर रही होती हूँ चाहे लाइफ कर रही होती हूँ तो पेरेंटिंग एंड मदरहुड इज़ अ पार्ट ऑफ इट कहीं ना कहीं से वो बात निकल ही आती है क्योंकि फोकस ही वही होता है हर वक्त तो खैर आज का हमारा टॉपिक है तालीम वर्सेस तरबियत एंड व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट तो उसके बारे में बात करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले तो ये कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दें उससे ये होगा और बेल आइकन भी दबा दें उससे ये होगा कि जैसे कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसे लगी मैं पढ़ नहीं पाती कॉमेंट लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ रिप्लाई नहीं कर पाती सॉरी कमेंट्स का लेकिन हमेशा कहती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी कुछ इंक्रेजमेंट अप्रिसिएशन आती है दिल खुश हो जाता है कि चलो यार कोई देख रहा है कोई कुछ सीख रहा है सो so, बात करते हैं तालीम वर्सेज़ तरबियत की तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप लोग भी कॉमेंट्स में बताएंगे कि आपके हिसाब से वॉट इज़ मोर इम्पॉटेंट या किसका ज़्यादा रोल है और मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करती हूँ सबसे पहले तो ये कि एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जो घर पर पेरेंट्स हैं घर पर पेरेंट्स हैं जो पेरेंट्स हैं वो ये करते हैं कि बच्चों का अपनी हैसियत से ना एक स्टेप आगे स्कूल यूज़ करते हैं यानी कि अगर वो स्कूल ए अफोर्ड कर स्कूल बी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो स्कूल ए की तरफ जाते हैं अपना बजट थोड़ा सा स्ट्रेच कर स्ट्रेच करके कि यू you नो know, कि अगर फीस ज़्यादा है तो स्कूल अच्छा है जो कि सही भी बात है जहाँ की ज़्यादा फीस होती है वहाँ पे क्वालिटी हर चीज़ की ज़्यादा मेनटेन की जाती है टीचर्स बेहतर होते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप स्ट्रेच करके वहाँ बच्चों को भेजें बिकॉज देन आप कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस में फंसे रहेंगे हर महीने के कैसे वो फीस पूरी होगी और वो कैसे अरेंज होगी और फिर उसका जो क्या कहते हैं सारा का सारा मलबा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं बच्चों पर गिरता है तो जो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं सबसे पहले तो उसी स्कूल में अपने बच्चों को भेजें नंबर वन है नंबर टू ये एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है कि अगर हम इतनी मोटी फीस पे कर रहे हैं या इतनी ज़्यादा तुम्हारी फीस पे कर रहे हैं तो अब तरबियत की पूरी जिम्मेदारी इखलाक सिखाने की तमीज सिखाने की सारी स्कूल वालों पर है और हमारा तो कुछ वो है नहीं क्योंकि हम फीस तो भर रहे हैं हमने तो भाई आउटसोर्स कर दिया सब कुछ तो यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है और स्कूल वाले भी यही चीज़ कर रहे होते हैं एग्जाम्पल हेयर जैसे कि हम सब ने सुना होगा हमारे जनरेशन वालों ने अपने स्कूल में Uh, बहुत कॉमन था ये मैंने नहीं सुना अलहमदिल्ला आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट लेकिन बहुत बच्चों को स्पेशली बॉयज़ को बड़े आराम से टीचर्स कह देती थी कि आप लोगों को घर वाले तमीज़ नहीं सिखाते आप लोग कितने बदतमीज़ हैं आपकी मदर्स uh, आपको कोई वो नहीं मैनर्स नहीं सिखाती ये वो तो पहली बात तो ये है जी हाँ मैं टीचर्स की बात करूँगी कि बच्चे सिर्फ़ वो हरकतें नहीं करते जो उनकी माएँ सिखाती हैं वो बहुत सारी और शरारतें और हरकतें करते हैं जो उनकी माएँ नहीं सिखाती आपस में एक दूसरे से सीखते हैं माहौल से सीखते हैं

सिर्फ माँ बाप तो नहीं कर रहे होते ना सबके सबसे बच्चा एब्जॉर्ब करता है चीज़ें तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि बच्चे का एक बिहेवियर आपने देखा और आपने जज कर लिया कि अच्छा ये तो घर से सीखता है अगर ऊंचा बोल रहा है या कोई बैड वर्ड और ये भी एक बड़ी अजीब सी क्या कहेंगे इसको कि वो वाली बातें इंटरेस्टिंग सी कि बच्चा आप दस बार एक अच्छी बात करें वो नहीं सुनेगा और नहीं पिक करेगा लेकिन आप एक बार एक बैड वर्ड बच्चे के सामने बोल दें और वो फ़ौर पिक कर लेगा और वो क्योंकि हम बैड वर्ड पर रिएक्शन फ़ौर देते हैं जैसे कि अगर कोई बच्चा कोई गंदा बोल रहा है कि ये गंदा बच्चा है या ये तो हम फ़ौन उसको करेक्ट करने के लिए दौड़ते हैं ना ऐसे नहीं बोलो ये गलत बात है तो फिर उसको अटेंशन मिल जाती है वो और सीख जाता है कि अब तो ये मैंने बार बार बोलना है क्योंकि इस पर मुझे अटेंशन मिली है तो ये टीचर्स की तरफ से भी और अभी रिसेंटली मैं एक ड्रामा आई एम वॉचिंग दिस ड्रामा इट्स कॉल्ड नीम उसमें वो एजुकेशन सिस्टम का दिखाया है उन्होंने कि कैसे टीचर्स जो हैं वो एक टीचर की एग्जाम्पल दिखाई थी दैट शी वॉज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स एंड यू नो हाउ शी इज टेकिंग आउट दैट फ्रस्ट्रेशन ऑन ऑन द चिल्ड्रेन तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन कि हमारे यहाँ जो वेल well पेड नहीं होती टीचर्स और भी उनके घरेलू मसले मसाइल होते हैं पता नहीं कि बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो शौक से और पैशन से इस काम को कर रही होती हैं बट मेजोरिटी तो यही है जो मजबूरन कर रही होती है तो एक इंसान जो खुद एक जॉब अपनी मर्ज़ी के बग़ैर कर रहा है पैसों की कमी की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से किसी और वजह से वो फोर्सर वो काम कर रहा है तो उस इंसान से आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टीचर का रोल भी करे अच्छे से और साथ एक मदर का रोल भी करे अच्छे से कि वो तरबियत भी बच्चे की कर दे तो ये एक बहुत ही अजीब सी एक्सपेक्टेशन है जो हमारा काम है वो हम नहीं करना है और जो तरबियत है उसकी जिम्मेदारी माँ बाप की ही है घर वालों की ही है वो हम स्कूल वालों पर नहीं डाल सकते कि और अब मैंने टीचर्स की साइड का कवर किया है अब मैं मां-बाप की तरफ से बात करूंगी तो अब मैं बात करूंगी मां-बाप के हवाले से कि जिस तरह बच्चा घर में कोई बिहेवियर शो रह, शो कर रहा होता है तो फौरन पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि तुम्हें स्कूल वाले कुछ नहीं सिखाते कोई तमीज सिखाते तुम किन बच्चों के साथ पढ़ते हो या किन बच्चों के साथ बैठते हो कि यू you नो know, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें कुछ नहीं सिखाते इवन अगर पढ़ाई में भी बच्चे हेल्प लेना चाहते हैं मैथ समझ नहीं आ रहा इंग्लिश समझ नहीं आ रहा कुछ तो पहली चीज़ ये होती है इतनी तुम्हारी तो फीस देते हैं हम और ये तो मैं हम नहीं पढ़ाना है तो क्या फ़ायदा है तो ये मतलब अगर बच्चा बेचारा उसका क्या कसूर है कि वो घर पे भी यही सुन रहा है और वो फिर स्कूल में भी यही सुन रहा है तो इस वीडियो का पॉइंट ये था इस टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद ये था कि कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ की कमी को पूरा नहीं कर सकती और कोई भी एक चीज़ पर अलाई करके हम दूसरी को एक खाना भर के आप बच्चे का एक खाना खाली नहीं छोड़ सकते अगर आपको एक मुकम्मल बच्चा चाहिए तो आपने उसके दोनों एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करनी है ना मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है तालीम को छोड़ दिया जाए या तरबियत को छोड़ दिया जाए बल्कि अगर किसी एक चीज़ को पिक करना है तो मेरे हिसाब से तरबियत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्योंकि तालीम की जो कमी है वो तरबियत कहीं ना कहीं कुछ मैं क... ये नहीं कहूँगी कि पूरा कर सकती है बट लाइक कुछ उस बच्चे का गुजारा हो जाएगा लेकिन जो तरबियत की कमी है वो बेशक वो जितना मर्जी एजुकेटेड हो जाए और जो हमारे माशरे का हाल है हम देखते हैं कि कितनी कितनी बड़ी डिग्रियों वाले कितने बदतमीज़ और बद अखलाक हैं तो वो क्या है वो तरबियत की कमी है तो जितनी बड़ी आपका बच्चा डिग्री ले ले अगर उसको शुरू से जो वैल्यू सिस्टम है वो सारी चीज़ों पे आपने काम नहीं किया तो उस कमी को कोई डिग्री पूरा नहीं कर सकती आंटेस वो बच्चा बड़ा होकर खुद रियलाइज़ करे कि मेरे साथ ये ये मसले हैं और वो फिर थेरेपी में जाए वो फिर अपने ऊपर काम करे जो मैंने एक और वीडियो में भी आई थिंक कहा है काफ़ी दफ़ा मैं ये कहती हूँ कि एक तो लर्निंग होती है ना जो शुरू से हमारी होती है और एक होती है अनलर्निंग और दोबारा से जो री लर्निंग होती है वो जो है ना वो हर किसी को नसीब नहीं होती और वो बहुत ज़रूरी है जो हम सब जो हम सबको करनी चाहिए अपने बारे में अपना जायज़ा लें और फिर देखें कि क्या क्या कमियाँ हैं जो हमारी तरबियत में थी या हम तो इसको ऐसे ओफेंड होते हैं कि अगर कोई कह दे जैसे कि ये बड़ा कॉमन ससुराली जुमला भी होता है कि माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया हिंदी और स्कूल्स में अगर कोई कह दे तो भी हम ओफेंड होते हैं स्कूल में तो चलो बनता है कि एक बच्चा बच्चे के लिए प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है कि वो मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं सिखाया और इस तरह की बात सुन के बहुत हर्ट होता है और कोई वो तमीज़ भी नहीं है टीचर्स को पूरी क्लास के सामने वो जिस तरह चाहे कह देती हैं इस इस किस्म की बातें मैंने अपने स्कूल्स में ये बड़ा कॉमनली सुनते हुए लोगों को सुना है तो मैं तो सिर्फ इमेजिन ही नहीं कर सकती कि कैसा लगता होगा जब मुझे सुन के इतना बुरा लगता है किसी और के लिए तो जिस बच्चे को कह रहे हैं उसको कितना बुरा लगता होगा तो ये दोनों तरफ एक दूसरे दुस, का काम एक दूसरे एक दूसरे के ऊपर इसका ब्लेम डालने के बजाय अगर हर कोई इंडिविजुअल लेवल पर अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसको प्रॉपरली अगर हम करें तो तभी बेहतर है हम ये नहीं कर सकते कि फीस दे दी है तो भाई अब सारे जिम्मेदारी उनकी है जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपकी है एंड अगेन हैविंग हैविंग दैट जो एक वक्त होना है और एक जो स्पेस होनी है आपके दिन में कॉन्वर्जेस की अपने बच्चों से आपका बच्चा जितना भी छोटा है दो दो साल के बच्चे से भी स्कूल्स जा रहे होते हैं बच्चे और फिर वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते कि स्कूल में क्या हो रहा है अगर कोई बुली कर रहा है अगर कोई तंग कर रहा है कुछ बच्चियाँ हो बच्चियाँ मैंने स्पेशली देखा है कि कम्युनिकेट कर लेती हैं आके बात कर लेती हैं लड़के थोड़ा लेट बोल रहे होते हैं वो ज़रा अगर कोई बच्चा शायद है या इंट्रोवर्ट है वो उस तरह से नहीं बता सकेगा तो मैं ये आई आई एम एम टॉकिंग टॉकिंग इट इट अबाउट विद एक्सपीरियंस के आज नहीं बता रहा तो कल बताएगा कल नहीं बता रहा तो परसों बताएगा लेकिन एक दिन आएगा कि वो बच्चा आपको अपने स्कूल के बारे में बताना शुरू करेगा मेरा जो बड़ा बेटा है वो नहीं बताता था इनिशियली बट मेरी रूटीन थी एवरी डे बिफोर बेड आई यूज टू आस्क हिम क्वेश्चंस क्या और एक हर किसी के लिए डिफरेंट चीजें होती है जैसे कि स्कूल के बाद मैं फॉरन पूछती थी हाउ वॉज योर डे वो तो वो बिल्कुल जो पता था कि लाइक आई डोंट टू टॉक अबाउट स्कूल क्योंकि वो एक पूरा दिन चार पाँच घंटे जब बच्चा गुजार के आता है स्कूल में तो उसको स्कूल की बात नहीं करनी होती इट्स वेरी कॉमन मेरी कोई मीटिंग हो जो दो घंटे चले उसके बाद मैं घर जाऊँ और मेरा हस्बैंड का पहला सवाल ये हो हा वॉज योर मीटिंग तो मेरी शक्ल ऐसी होगी कि यार इस पे बात नहीं करनी कोई और बात करो तो ये आपने अपने बच्चे का फिगर आउट करना है कि ऐसा टाइम जिसमें वो कंफर्टेबल है अपनी ईज में है खाना खा चुका है शावर ले चुका है फ्रेश हो चुका है बातें करने के मूड में है बातें सुनने के मूड में है तब आप उससे बात करें और ये मैं हमेशा कहती हूँ कॉन्वर्जेसन का मतलब होता है बात करना और बात सुनना हमें सिर्फ ये पता है कि बात करनी है हमने उसको डिक्टेट करते रहना है कि ये करना ये करना है ये ये क्या किया वो क्या किया खाना खा लिया पढ़ लिया सो लिया सिर्फ़ एक ये वन बाय वन हमारी चेकलिस्ट चल रही होती है उसकी बातें सुने और बच्चे जो होते हैं ना वो हमारी तरह बात नहीं करते उनकी कॉन्वर्जेस ऑल ओवर द प्लेस हो रही होती है एक वो प्ले एरिया की कोई बात बताएगा उसके बाद वो अपनी बी का बता रहा होगा कि मैं बी लिख रहा था तो ये हो गया तो वो सुने जितनी आप सुनेंगी उतना वो इनक्रेज होगा बात करने के लिए और वही वाली बात है कि डेली पूछने पूछते रहें और इस तरह के सवाल में शायद ये पहले भी कर चुकी हूँ बात कि दिन का बेस्ट पार्ट क्या था और बैड पार्ट क्या था स्कूल का क्या चीज़ ऐसी सिली हुई जिस पे आपको हंसी आई टीचर ने आज किसी को डांटा क्लास में कौन से ब, किसी बच्चे के किसी बच्चे से लड़ाई हुई इस तरह की लाइक सिर्फ ये नहीं पूछे कि क्या एक्टिविटी हुई और क्या करा हर तरह के सवाल पूछे हैं किसके कि किस साथ बैठ के लंच किया किसका लंच सबसे बेस्ट था क्लास में आप मुझे बताएं कौन से लंच ऑप्शंस आपको अच्छे लगते हैं कौन सा बच्चा बेस्ट लंच लाता है हम भी ट्राई करेंगे वो करने की तो इस तरह की कम्युनिकेशन और कॉन्वर्जेशन बच्चों के साथ करते रहें दिन दिन में अपने पंद्रह मिनट अलग कर दें पर बच्चा ये पता नहीं मैं अनलिमिटेड वीडियोस में कह चुकी हूं कि पर बच्चा आपने पंद्रह मिनट फर्ज है कि ये तो लाइक बेयर मैन में ये तो आपने करना है अपने बच्चों के लिए चाहे आप पूरा दिन जो चाहे करें लेकिन पंद्रह मिनट की कॉन्वर्जेशन जहाँ सिर्फ आपने ट्राई करना है अगर बच्चे छोटे हैं तो सिर्फ ट्राई करें टू तो हैव कॉन्वर्जेशन की बुक्स दिख बुक्स दिखा दें एक्सक्यूज मी रीडिंग कर दें कुछ भी लाइक स्टार्ट करें वो अपने दिन में और वीकली मीटिंग्स पर क्या करें ये भी मैंने कहा था कि वीकली लाइक यू कैन हैव फैमिली मीटिंग जिसमें अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो दे कैन डिस्कस अगर कोई चीज़ है दिन की रूटीन में जो नहीं अच्छी लगती जो चेंज करना चाहते हैं तो हम उस पर काम करें तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको आज का टॉपिक कैसा लगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी अगर फर्दर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर बात करें तो वो भी हम ज़रूर कंसिडर करेंगे थैंक यू वेरी मच अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज